रुक करते हैं समरयाल का, जहां पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लेडी डॉक्टर अरूसा लियाकत ने हैंड सैनिटाइजर्स बनाने का फॉर्मूला ईजाद कर दिया, जो कि इंतहाई सस्ता तरीन है। नुमाइंदा देर न्यूज मकसूद इलाही इस वक्त लेडी डॉक्टर अरूसा लियाकत के साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सैनिटाइजर बनाने का फॉर्मूला क्या है। जी आगा करें। जी बिल्कुल, हम इस वक्त THQ हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है अरूसा लियाकत डॉक्टर साहबा। इन्होंने हैंड सैनिटाइज़र जो है वो खुद ही तैयार किया है, क्योंकि मार्केट में बहुत महंगा है, इस वजह से इन्होंने खुद ही तैयार करके समरयाल की आवाम के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने इसमें क्या क्या केमिकल यूज़ किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अरूसा लियाकत है और मैंने ये हैंड सैनिटाइज़र बनाया है THQ समरयाल के लिए। जैसा कि सब जानते हैं कि जब कोरोना वायरस आया तो जो सैनिटाइज़र थे वो मार्केट से गायब हो गए, और उसमें जो नीड ऑफ द आवर वो ये थी कि जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उनकी डिसइंफेक्शन होना, उनके हाथों का सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सैनिटाइज़र है हमने वो WHO का जो रिकमेंडेड फार्मूला है उसके ऊपर बनाया है। इसके अंदर मेथनॉल है, साथ में इमोलियंट इफेक्ट के लिए हमने इसके अंदर ग्लिसरीन डाली है, और साथ में इसके अंदर हमने पानी डाला है। इसके अंदर मेथनॉल जो कि हमने डाली है उसको हमने डाइल्यूट किया है, 99% प्योर मेथनॉल होती है। इट कैन इरिटेट योर हैंड, दैट्स वाई हमने इसको डाइल्यूट करके 60% किया है, और इसके अंदर ग्लिसरीन डाली है और इसके अंदर हमने वाटर डाला है। एंड दैट इज़ द बेस्ट सैनिटाइजर अ पेशेंट कैन गेट जब वो यहाँ आएगा, और हमारे सारे के सारे जितने भी पेशेंट हैं स्प्रेड को रोकने के लिए हमने उनके लिए सैनिटाइजर जो है बनाया है। डॉक्टर साहब, आप दोबारा ज़रा एक डिटेल से बताइएगा ताकि लोग जो है घरों में ये बड़ी आसानी से बना सके, क्योंकि ये जो सैनिटाइज़र है इस वक्त मार्केट में ना एक तो अवेलेबल नहीं है, और दूसरी अगर मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। ज़रा आवाम को भी बताइएगा वो घर में ये बआसानी बना सकते हैं। जी ये बिल्कुल बआसानी बना सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सैनिटाइज़र सबके लिए नहीं है। अगर आप घर में बैठे हैं आप 20 सेकंड के लिए अपने हैंड वॉश करें सोप से, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपको इन्फेक्शन का ख़तरा, आपको सैनिटाइज़र की ज़रूरत है। सैनिटाइज़र के लिए आप एक स्प्रिट ले लें जिसको रेगुलर में मिथाइलेटेड हम अल्कोहल कहते हैं। द मेन थिंग इज़ दैट कि आपने उसको डाइल्यूट करना है। उसका अगर आप एक मैं 100 ml का फार्मूला बताऊं तो उसमें आपने 70 ml जो है वो स्पिरिट ले लेनी है, 20 ml उसमें आपने ग्लिसरीन लेना है ताकि वो आपके हैंड को जो है या आपके हाथों को जो है इरिटेट ना करे, और 10 ml आपने उसमें बॉइल्ड वाटर डालना है, लेकिन वो ठंडा होना चाहिए। यह आपका 100 ml जो है वो तैयार है, और जो कि काफ़ी दिन तक चल सकता है। जी डॉक्टर साहब ने बड़े आसानी और बड़ी आसानी के साथ बताया कि आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है, एक तो आपने स्पिरिट लेना है, और दूसरा ग्लिसरीन, और तीसरा ठंडा पानी। बिल्कुल आसान तरीकाकार है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझने की कोई ज़रूरत हो तो आप डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब जो कि